इंस्टॉलमेंट लास्ट क्लास में रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स में 11th रूल्स किए थे अपन। देखो वो तो 10 हो गए। 11th रूल ये था अपना, डिलीवरी टू कैरियर ऑन वॉर फिंगर, डिलीवरी टू करियर और वॉर फिंगर। ये वॉर फिंगर मैंने बताया है आप लोगों की क्लास में, इसका मीनिंग क्या होता है? मैंने आप लोगों को बताया था जो डॉक वगैरह पे सामान आता है बाय वाटर, तो वहाँ पे जो गोडाउन्स रहते हैं तो उनको बोलते हैं वॉर फिंगर। याद नहीं है तो याद रखना। नेक्स्ट देखो इसमें, इसमें क्या होगा? अगर सेलर गुड्स सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो सेलर को क्या करना पड़ेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की है। अगर वो वॉर फिंगर के थ्रू सामान भेज रहा है और करियर के थ्रू, इट मींस करियर मींस ट्रांसपोर्टेशन मेथड्स यूज कर रहा है, ठीक है। अब वो ट्रांसपोर्टेशन मेथड कभी भी बाय एयर भी हो सकता है, बाय रेल भी हो सकता है, वो जो भी है। तो और वॉर फिंगर तो इट मींस वो बाय वाटर ही आ रहा है। तो इसमें सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो गुड्स को सेंड करे, किसको? बायर को, डिलीवरी के लिए बोले, और इसके लिए वो गुड्स वहां पर सेफ कस्टडी में है कि नहीं उसका ध्यान रखना पड़ेगा। और गुड्स अगर वहां पहुंच गए हैं अच्छे से, तो ये अज्यूम किया जाता है कि सेलर ने गुड्स डिलीवर कर दिए हैं, किसको? बायर को। फिर इसमें एक दूसरी कंडीशन आती है, जो बायर का गुड्स है वो अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए अगर रास्ते में उसके गुड्स को डैमेज होता है या फिर लॉस्ट होता है या कुछ भी खराब हो जाता है, तो ये टोटल किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सेलर की, कि वो ध्यान दे। नेक्स्ट, अगर सी रूट से सामान आ रहा है पानी के थ्रू, तो ऐसे गुड्स को इंश्योर करना पड़ता है। इंश्योर्ड मींस इंश्योरेंस करवाना पड़ता है। तो ये भी किसकी ड्यूटी है? सेलर की, कि वो ये नोटिस करे आए, किसको? बायर को, और उसको बताए, और बायर क्या कर ले? अपने गुड्स को इंश्योर करवा ले। अगर सेलर उसको इन्फॉर्म नहीं करता है तो फिर से पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी। तो उसमें तीन कंडीशन थी कि अगर गुड्स सेलर ने डिलीवरी कर दिए यहाँ से गुड्स की और वहाँ अच्छे से पहुँच गया है, तो इट मीन्स वो गुड्स अब बायर का है। दूसरा, अगर रास्ते में कुछ भी लॉस हो जाता है गुड्स का या डैमेज हो जाता है, तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होगी। और अगर स्पेशली वो सी रूट से जा रहा है और उस गुड का इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है, तो ये भी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बायर को इन्फॉर्म करे। नेक्स्ट देखो इसमें, नेक्स्ट देखो, बायर्स रिस्क फॉर डिटीरियोरेशन ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। डिटीरियोरेशन क्या होता है बताओ? डिटेरियोरेशन नहीं सुना है किसी ने? इसका मतलब होता है कम हो जाना, ठीक है, या फिर घट जाना। सपोज आप लोगों ने डेप्रिसिएशन वर्ड सुना है, क्या यस मैम, होता यस है मैम, डेप्रिसिएशन? वैल्यू,
कम हो जाती है ना इसमें। किसी एसेट की वैल्यू नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से कम होती है। सेम वही, जब हम गुड्स भेज रहे हैं और गुड्स हम जो भेज रहे हैं, सेलर जो भेज रहा है गुड्स किसको, बायर को, तो वो गुड्स ऐसे नेचर के तो नहीं है कि वो डिटीरियोरेट हो जाते हैं, मतलब कम हो जाते हैं खुद ब खुद। समझ में आ रहा है कि वो गुड्स का क्वांटिटी खुद से ही कम होने लगता है। तो ऐसे अगर कोई गुड्स हैं तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका रहेगा, बायर्स का। बताओ ऐसे कौन से गुड्स हैं जिसका क्वांटिटी खुद, मशीन्स मशीन की क्वांटिटी कैसे कम हो जाएगी बेटा। क्वांटिटी नहीं है, वो डेप्रिसिएशन का बोल रही। अच्छा नहीं बेटा, ऐसा गुड्स बताओ जिसका एग्जाम्पल हो कि वो गुड्स डिटीरियोरेट हो रहा है, मतलब उसका वैल्यू कम हो रहा है या फिर वो डिप्रिशिएट हो रहा है। देखो जब पेट्रोल वगैरह जाता है टैंकर्स में, जाता है कि नहीं, तो पेट्रोल तो पेरिशेबल नेचर का होता है ना, ऑयल वगैरह धूप में रखो तो उड़ जाता है कि नहीं उड़ जाता यस मैम, है ना। तो पेट्रोल वगैरह हो गया, या ऐसे ही और कुछ गुड्स बताओ जो पेरिशेबल हो। अगर हम फ्रूट्स वगैरह भेज रहे हैं तो गारंटी है ना रास्ते में कुछ ना कुछ तो खराब होगा। या फिर वेजिटेबल्स वगैरह हैं और अगर वो दूर सप्लाई पे जा रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ तो उसमें गड़बड़ आनी है। या फिर शुगर वगैरह की जो बोरियां निकलती हैं, या फिर राइस या वीट वगैरह आता है, ठीक, या अनियंस आते हैं दूसरे स्टेट से अपने स्टेट पे, तो कुछ ना कुछ तो खत्म हो ही जाता है या गड़बड़ हो ही जाती है। और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, सेलर की होती है, क्योंकि सेलर क्या पूरा का पूरा ट्रक वापस करेगा क्या अगर एक बोरी कम निकली तो, या फिर थोड़ा सा कम निकला तो क्वांटिटी में। नहीं करेगा ना। नो नेक्स्ट देखो, बायर्स राइट ऑफ एग्जामिन द गुड्स, बहुत सिंपल सिंपल है बेटा, ज्यादा डफ में मत जाओ। अब बायर का एक और राइट होता है कि गुड्स अगर उसके पास आ गए तो वो उसको एग्जामिन करके देखे, करते हैं कि नहीं, अपन खोल के देखते हैं सही है कि नहीं, नहीं है तो रिटर्न हो जाता है ना। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी बाय बायर, ऑब्वियस है कि अगर कोई सेलर गुड्स भेज रहा है तो उसकी डिलीवरी बायर ही लेता है, या फिर उसके बिहाफ पे कोई ऑथराइज पर्सन होगा वो। बायर नॉट बाउंड, ठीक है, इसमें क्या लिख रही हूं मैं, देखो बायर टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, ठीक है, इसका मतलब ना नॉट बाउंड टू रिटर्न, इसका मतलब होता है कि पर्सनली जाके, अब पर्सनली जाके थोड़ी नहीं गुड्स रिटर्न करके आएगा वो, तो उसको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर गुड्स, आई एम प्लीज टेक योर गुड्स विथ योर, या अपने डिलीवरी बॉय को बोलो कि अपना सामान लेके जाए। तो बायर बाउंड नहीं है गुड्स को रिटर्न करने के लिए, ठीक है, रिजेक्टेड गुड्स को। बायर की सिंपल ड्यूटी है कि वो सेलर को कॉल करे और उसको इन्फॉर्म करे दैट आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर गुड्स आर रेयर, प्लीज सेंड योर बॉय एंड ही विल टेक इट, ठीक है, या फिर यू विल हैव टू अरेंज फॉर द डिलीवरी, ठीक है। और अगर वो चाहता है कि हम उसको सेंड करें तो उसको उसके एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे, किसको, सेलर को। तो बायर बिल्कुल भी बाउंड नहीं है रिजेक्टेड गुड्स के लिए। नेक्स्ट देखो, रियलिटी में ऐसा होता है क्या, बताओ रियलिटी में ऐसा होता है क्या, बायर भेजते हैं ना यहाँ पर, अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो। यस मैम। देखो नेक्स्ट है लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। देखो इसमें क्या बता रहे हैं,
जब सेलर गुड्स सेंड करने के लिए रेडी है या उसका गुड रेडी हो गया है कि गुड्स इज रेडी फॉर द डिलीवरी, आप आओ और अपना गुड्स ले लो, या फिर हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं आप वहाँ से अपने गुड्स की डिलीवरी ले लेना, अगर इन सारी बातों को बायर निग्लेक्ट कर रहा है या अवॉइड कर रहा है तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? बायर की होगी, याद रखना ऐसी सिचुएशन पे। तो ये किसकी लाइबिलिटी है? बायर की लाइबिलिटी है अगर वो गुड्स नहीं ले पा रहा है। तो यही था किसमें, डिलीवरी ऑफ गुड्स मतलब परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो कैसे परफॉर्म करते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को? बाय गुड्स को डिलीवर करके। ये इन सारे रूल्स में कोई डाउट है कहीं तो पूछो, फिर मैं इसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करवाऊंगी। ड्यूटीज ऑफ सेलर, तो देखो सेलर की क्या ड्यूटी हो सकती है? सबसे पहली ड्यूटी होगी गुड्स को डिलीवर करें, टू डिलीवर द गुड्स। सेक्शन 31 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का कि ये ड्यूटी होती है सेलर की, वो गुड्स को डिलीवर करे किस कैसे और उन्हीं प्राइस पे जिन प्राइस पे एग्री किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, टू मेक कॉन्ट्रैक्ट विथ द करियर ऑफ गुड्स। करियर ऑफ गुड्स मतलब जो गुड्स लेके जा रहा है किस तक? बायर तक। ठीक है, करियर, करियर यहाँ पे क्या होती है? ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज होती हैं जो गुड्स को इधर से उधर लेके जाती हैं, तो उनके साथ भी डील करना पड़ता है सेलर को ताकि गुड्स अच्छे से कर सकें। सी रूट ट्रांजिट क्या है? अभी बताया मैंने, अगर गुड्स पानी के थ्रू जा रहे हैं तो उस गुड्स को इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी है और उसका नोटिस सेलर को देना पड़ेगा, किसको? बायर को। ठीक है, और अगर सेलर उसको ये सब बताने से चूक जाता है तो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पे करने की किसकी होगी? सेलर की। नेक्स्ट क्या होगा? टू गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग ऑफ गुड्स। उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी बायर को कि वो उसके गुड्स को एग्जामिन कर सके और फिर वो उसके बाद उसको परचेज कर सके। ठीक है, तो ये थे किसकी ड्यूटीज थी सेलर की। तो जस्ट इसमें अपोजिट देखो, इसके राइट्स क्या हो सकते हैं सेलर की? ये देखो, ड्यूटीज ने लाइबिलिटीज भी होती हैं। ठीक है, याद रखो। तो सबसे पहला राइट क्या होगा सेलर का? राइट टू रिसीव प्राइस, ऑब्वियस है ना, इसको कुछ पैसे चाहिए तभी तो काम करेगा। राइट टू फाइल सूट फॉर प्राइस, ये भी होगा। क्यों होगा? देखो, अगर उसके पास राइट है प्राइस को रिसीव करने का तो उसके लिए वो केस भी कर सकता है अगर इसको टाइम पे उसका पेमेंट नहीं मिलता है या फिर बायर नेग्लेक्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट। डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, अगर नॉन एक्सेप्ट, अगर बायर उसके गुड्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद भी, गुड्स बहुत अच्छे कंडीशन है फिर भी अगर गुड्स एक्सेप्ट नहीं कर रहा है बायर, तो सेलर क्या कर देगा? उसके ऊपर डैमेजेस के चार्जेस लगाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ये राइट होता है सेलर का एक काइंड ऑफ कि कुछ वो स्पेसिफिक परफॉर्म काम कर सके। राइट टू रिसीव इंटरेस्ट बाय वे ऑफ स्पेशल डैमेजेस। ठीक, इसमें क्या होगा, सेलर के पास राइट होता है कि वो कुछ अमाउंट रिकवर कर सके, किससे? बायर से। ठीक है, जिस तारीख पे उसको पैसे मिलने चाहिए, अगर उसको उस तारीख पे वो पैसे नहीं मिल रहे
तो वो उनके लिए उनसे इंटरेस्ट भी ले सकता है ब्याज फॉर द लेट पेमेंट। तो पहले बताओ मेरे को, ड्यूटीज और राइट्स में कोई डाउट है क्या? नो मैम, किसी को भी? नो मैम, श्योर है? पूछूं फिर कुछ डाउट में, अगर कुछ नहीं है तो? नेक्स्ट देखो, अब ड्यूटीज ऑफ बायर ऑफ गुड्स जस्ट अपोजिट होते जाएगा। मैंने बताया ना आप लोगों को, एक की ड्यूटीज दूसरे की राइट्स बनती हैं और एक का राइट दूसरे की ड्यूटी। बताओ। यस मैम। अब देखो, सेलर के राइट्स इसकी ड्यूटीज बन जाएंगी। यहाँ इसको राइट है ना रिसीव करने का प्राइस, तो इसका राइट क्या हो जाएगा? राइट टू पे द प्राइस। फिर क्या हो जाएगा? टू अप्लाई फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। ऑब्वियस है ना कि इसको खुद से इनिशिएट लेना पड़ेगा अपने गुड्स की डिलीवरी के लिए, तो इसको एक अप्लाई तो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या करेगा? ड्यूटी इन केस ऑफ डिलीवरी ऑफ रॉन्गफुल क्वांटिटी, अगर गलत क्वांटिटी मिलती है तो भी तो इसकी ड्यूटी है ना कि वो, अगर सपोज इसने 500 का ऑर्डर्स दिया है और इसको मिल रहा है 250, तो ये कंप्लेन कर सकता है और गुड के लिए क्लेम मांग सकता है। ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है? डिटीरियोरेशन वाला पॉइंट आएगा। देखो इसमें फिर से एक डिटीरियोरेशन वाला बताया था मैंने आपको, तो इसको रिस्क लेना पड़ेगा अगर इसने कोई ऐसा गुड्स परचेज किया जिसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, टू टेक रिस्क ऑफ डिटीरियोरेशन इन ट्रांजिट। नेक्स्ट देखो, इसमें और क्या ड्यूटीज हो सकती हैं इसकी? बायर की लायबिलिटी हो जाएगी अगर वो गुड्स को नॉन एक्सेप्ट करे। ये देखो, ये डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस के लिए राइट हो जाता है सेलर का, और यहाँ पे इसके लिए वही चीज़ क्या बन जाती है? इसकी लाइबिलिटी बन जाती है, इसको पे करना पड़ेगा। लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर नेग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ये सब थे ड्यूटीज ऑफ बायर ऑफ गुड्स। अब हम करेंगे इसके राइट्स, इसी के राइट्स। किसी को डाउट है इन पॉइंट्स में तो पूछो पहले। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ बायर ऑफ गुड्स। देखो क्या राइट है, गुड्स की डिलीवरी लेने का राइट है, तो राइट टू रिसीव डिलीवरी ऑफ गुड्स। ठीक है। फिर इसका सेकेंड राइट क्या हो जाएगा राइट्स ऑफ बायर में? अगर इसको रॉन्ग क्वांटिटी मिलती है तो रिजेक्ट कर सकता है ये गुड्स की डिलीवरी। फिर नेक्स्ट देखो क्या लिखा है इसमें, इसके पास राइट है कि वो गुड्स को एग्जामिन कर सके। फिर क्या राइट है? वही एक बताया था ना, बायर इज नॉट बाउंड टू रिजेक्ट
रिटर्न गुड्स टू रिटर्न रिजेक्ट गुड्स, तो ये बिल्कुल बाउंड नहीं है कि वो गुड्स को रिटर्न करे, नॉट बाउंड टू रिटर्न रिजेक्टेड गुड्स, वो खुद ही आके अरेंज करे अपने रिजेक्टेड गुड्स की, ठीक है। फिर डैमेजेस मिलेगा इसको नॉन डिलीवरी के लिए, अगर सैलर इस तक गुड्स नहीं पहुंचा रहे तो। देखो यहाँ पे डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस आ रहा है, तो ये वाला जो डैमेज है ये मिलेगा किसको, सेलर को, और ये वाला जो डैमेज है डैमेज फॉर नॉन डिलीवरी ये मिलेगा हमेशा बायर को। नेक्स्ट देखो इसमें, सिक्स पॉइंट, राइट टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कुछ स्पेसिफिक अगर इसको परफॉर्मेंस है तो उसका राइट रहेगा, जैसे इसके पास था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कुछ राइट्स होते हैं है ना, या कुछ ड्यूटीज हो सकते हैं। फिर क्या है, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी टूट रही है इसमें, क्योंकि गुड्स हैं तो गुड्स में कंडीशंस और आएंगी, तो जो जो वारंटी वाले टॉपिक में हमने रेमेडीज की थी वो सारी की सारी इसके पास अवेलेबल रहेगी, मतलब ये स्यू कर सकता है सेलर को फॉर द डैमेजेस, ठीक है। टू रेप्यूडिएट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कैंसिल कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को, या फिर क्या कर सकता है, इंटरेस्ट ले सकता है फॉर द डैमेजेस। तो ये थे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर।